Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying analysis of a financial statements, and the chapter is on financial statement of a statements of a company. And the question is under which major heads and subheads will the following items be placed in the balance sheet of the company as per Schedule Three, Part One of the Company Act, two thousand thirteen. Now.

अगर है तो किसके अंदर नाउ वन दिखाए जाएंगे नैच्योरिटी पीरियड इन करेंट फाइनेंशियल ईयर यानी जो डिवेंचर इसी साल के अंदर मैच्योर हो जाएगा ये करेंट लाइबिलिटी क्योंकि उसका पेमेंट इसी साल ही है ना होना है और करेंट लाइबिलिटी यानी जो डिवेंचर इसी साल पे हो जाना है उसको करेंट लाइबिलिटी में दिखाएंगे उसका हेड होगा करेंट लाइबिलिटीज एंड सॉ हेड होगा अदर करेंट लाइबिलिटीज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आज यू नो ये जब हम शेयरिटीजी शेयर शेयर डिवेंचर वगैरह इश्यू करते हैं उससे जो प्रीमियम कलेक्ट करते हैं ये शेयर होल्डर फंड के एक हिस्सा है तो शेयर होल्डर फंड के हेड में दिखाया जाएगा और इसका सब हेड होगा रिजर्व एंड सर जो एम्प्लॉय होते हैं वो हमारे सैलरी से डिडक्ट करते हुए पैसे जमा करते हैं प्रोविडेंट फंड कोई गवर्नमेंट के एजेंसी के साथ और एम्प्लॉयर भी कुछ पैसे उनके लिए जमा करता है कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय तो वो कौन सी हेड में आएगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में आएगा और लॉन्ग टर्म प्रोविजन के अंदर आएगा क्योंकि जब एम्प्लॉ uh, रिटायर करेगा उस टाइम ये पेबुल होता है इसलिए नॉन करेंट लाइबिलिटीज को नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर इसका इसी हेड के अंदर आएगा और सब हेड होगा लॉन्ग टर्म प्रोविजन एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर